गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज है 28th ऑफ मार्च और सिर्फ 7:30 बजे और मम्मी नीचे पूजा कर रही हैं। और वो एक बार पूजा कर लें, उसके बाद जो कुछ बनाना है वो मैं बनाऊंगी। मतलब पूजा का खाना मम्मी बना रही हैं, पूजा मम्मी करेंगी और उसके बाद जो हम लोग खाएंगे, मतलब जो एक दो सब्जियाँ और बनेंगी वो मैं बनाऊंगी। छोले मुझे बनाने हैं, जो पूरी के साथ छोले खाते हैं ना वो मेरे सबको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते, तो वो मैं बनाऊँगी। और मैं भी नहा लेती बट क्या है ना, मैं कल रात को हेयर वॉश सॉरी हेयर ऑयलिंग करना भूल गई, तो मैंने अभी मैं अभी हेयर वॉश नहीं कर सकती और फिर नहा नहीं सकती अभी। तो मैंने सोचा अब ठीक है, मैं आराम से ही मतलब हेयर ऑयलिंग करके उसके बाद खाना जो मतलब बनाना है एक दो सब्ज़ी वो बना के और फिर ही नहाऊँगी। अब ड्राई फ्रूट नहीं डाले इसमें? थोड़े डाले क्या क्या डाला? काजू, किशमिश, काजू, बादाम, देसी घी में उतरे हैं डाले, देसी घी में उतरे हैं। हनुमान का होली को और दिवाली को हमारे, तो बस हनुमान का तो यही पूजेगा ना अभी, खीर हलवा पूरी। पूजा के बाद फिर हम सब्जी बनाएंगे। मुझे तो यही अच्छी लगती है हमें, वाइट वाइट यहाँ मम्मी ने बनने रखा है पेठा यानी कि कद्दू, और यहाँ बन रहे हैं मम्मी के फेवरेट आलू टमाटर। मम्मी को पूरी के साथ आलू टमाटर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ अब छोले। छोले बॉईल हो चुके हैं, वैसे बिल्कुल रेडी हैं बनके, बस जो तड़का लगाना होता है वो मैं अब लगाना स्टार्ट कर रही हूँ और बहुत जल्दी ये भी बन जाएंगे। छोले की जो सब्ज़ी है वो बहुत तरीके से बनती है। जो मैं आज रेसिपी बना रही हूँ ये पूरी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर इसे चावल के साथ खाते हैं ना तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जो चावल के साथ हम लोग छोले बनाते हैं ब्लैक वाले, वो कभी पूरी या पराठे के साथ इतने अच्छे नहीं लगते हैं। और जो भटूरे के साथ छोले बनाती हूँ मैं, वो एक बिल्कुल ही अलग रेसिपी है। तो हमेशा ना मतलब छोले चीज़ एक ही है लेकिन इतने तरीके से बनता है ना, और उसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल सेट है। अगर किसी दूसरी चीज़ के साथ खाओ तो वो मज़ा नहीं आता। खाना हो गया मेरा और खाना भी ऑलमोस्ट बनकर रेडी है। मैं छोले बनाने के बाद नहाने गई थी, बाकी सारा कुछ मम्मी ने बना लिया है। मेरे छोले बनकर बिल्कुल रेडी हैं, बहुत टेस्टी लग रहे हैं यार देखने में, और बहुत यम्मी। मैंने आप लोगों के साथ ना पूरी रेसिपी शेयर करी है, मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी कभी पूरी बनाएं तो ये छोले की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपको, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे घर में ये सबकी फेवरेट है। और अब सबसे एंड में मैंने बनाया है बूंदी का रायता, सिंपल सा रायता। मैंने इसमें बूंदी डाली है और भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और चाट मसाला, नमक, ये सब। और खाना भी बिल्कुल सारा कुछ बनकर तैयार है। ये बनाया है पेठा, कद्दू और सूजी का हलवा। यहाँ बनी है खीर और ये है आलू गोभी, ये है आलू टमाटर और ये छोले और रायता। Yeah.
इतनी खाऊंगी ना मैं उसको, जैसे मैं गरम गरम छोले सबसे टेस्टी क्या था आपके तो आलू ही होंगे सबसे टेस्टी पेठा फिर छोले ये छोले मैंने बनाए थे आलू टमाटर इतने अच्छे लगे नहीं मतलब जैसे लगने चाहिए थे देसी घी में बनाऊं कुछ आलू दूसरा आए सो गई थी मैं कृष्णा के लिए और मैं अभी उठी हूँ और मम्मी अभी सो रही हैं एक बार वो उठ जाए उसके बाद हम लोग बनाएंगे अब गुंजिया गुंजिया बनाना बाकी है कल एक्चुअली मेरा बनाने का प्लान था बट ना ही कल तो मेरा कोई व्लॉग गया है और ना ही मैंने कुछ भी मतलब मिठाई बनाई या कुछ भी नहीं किया कल मैं पूरा दिन बाहर थी तो मैं कल कुछ भी नहीं कर पाई ना ही मिठाई बनाना कुछ हुआ ना ही मेरा कल व्लॉग गया था तो आज हमने सुबह वो सब जो खाना था वो बना है वरना तो शायद सुबह बनाते बट अब खाने से तो फ्री हैं आज सुबह इतना कुछ बन गया है तो अभी और कुछ तो बनाना नहीं है तो अब शाम को हम आराम से थोड़ी सी गुंजिया बनाएंगे मिठाई यार कितनी भी आ जाए लेकिन होली पर गुंजिया का थोड़ा सा होता है ना तो बहुत थोड़ी सी बनाऊँगी अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ लेकिन हाँ थोड़ी सी गुंजिया बनाएंगे मम्मी एक बार उठ जाए उसके बाद मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँगी सबसे पहले मैंने थोड़ा सा सूजी को रोस्ट किया है उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा मावा को भून रही हूँ इससे जो मावा है वो अच्छे से पक जाता है और जो भी हम इससे मिठाई बनाते हैं उसकी शेल्फ़ लाइफ थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है तो मैं इसे यहाँ थोड़ा सा भून रही हूँ और जो गुंजिया होती है उसकी स्टफिंग में ना बहुत तरीके से लोगों को पसंद होता है कुछ लोग उसे सिर्फ सूजी से बनाते हैं कुछ लोग दोनों चीज़ मिक्स करते हैं कुछ सिर्फ मावा उसमें पसंद करते हैं तो मुझे और हमारे घर में सभी को मिक्स करके पसंद है सूजी और मावा मिक्स करते हैं लेकिन जो प्रपोर्शन है वो मावा का काफ़ी ज़्यादा होता है सूजी बहुत कम बस छोड़ दो ना टाइट तो ही अपना हो जाएगा बन गया इसमें और थोड़ा कुछ डाले नमक वगैरह हल्का सा चुटकी पर डाल लो थोड़ा सा बस खाली दूध में भी तो बनाते हैं ना दूध गिर लेते नहीं उसमें थोड़ी ना शायद दूध ये डालते होंगे फिर तेल घी कुछ भी बहुत होगा इतना तो मम्मी ने आटा बना कर तैयार कर दिया है और मैंने यहाँ पर जो मावा भुना था उसमें सूजी ऐड कर दी है और ड्राई फ्रूट्स जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो डाल सकते हैं जैसे कि हमारे घर पे ना किसी को भी वो एक होता ना चिरौंजी वो किसी को नहीं पसंद तो मैं कभी ऐड नहीं करती हूँ और सबसे लास्ट में डाला है मैंने थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट नारियल का बुरादा जो होता है मतलब इसे मार के और फिर आधे घंटे के लिए रख दो कितना बढ़िया मिल रहा है गिल्ले पर रखेगी नीचे नहीं बिठा उसको प्लेट में रखे या तो फिर उसे ढके ऐसा हाँ ये रख ले बिछा नीचे या प्लेट में रखो प्लेट में रख ले परात प्लेट ना वो हाँ मतलब प्लेट या उसमें रख लेते हैं और ऊपर से फिर ये डाल दो परात में चिपक जाएगी वैसे तो फिर हाँ कागज पर रखी जाए वैसे तो इस पर कपड़े पर चिपकने चाहिए प्लेट में चिपकेंगे
थोड़ा सा बचेगा, ज़्यादा सा नहीं। इसके किनारों पे ऐसे लगा लो, दूध पानी जो भी लगाना चाहो तो फिर ये फटते हैं। और इसे दो उंगली की सहायता से ऐसे करते रहो। मशीन से ज़्यादा जल्दी हाथ से बनता है ना। मशीन की तो फूट भी जाएंगी, नहीं फूटती है। तेरा आलू में बनने की सही है। बिल्कुल परफेक्ट जो इसकी स्टफिंग थी वो बनी थी, बिल्कुल भी नहीं बची। एक बार के लिए ऐसा लगा था बहुत ज़्यादा हो गई है।